लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम दो रोज़ा इंटरनेशनल केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें दुनिया भर से स्कॉलर्स शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त गैरिसन यूनिवर्सिटी में साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल और वाइस चांसलर गैरिसन यूनिवर्सिटी उबैद बिन जक्रिया भी मौजूद हैं। उनसे पाकिस्तान केमिकल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और कॉन्फ्रेंस के मकासद के हवाले से बात करते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं कुरतलैन हैदर से, वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी कुरतलैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में दो रोज़ा केमिस्ट्री की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आज इफ्तताही तकरीब हुई है, जिसमें मेहमान खसूसी तौर पर जो साबिक गवर्नर हैं खालिद मकबूल साहब और जो वाइस चांसलर हैं अबैद बिन जक्रिया, उन्होंने शिरकत की है। केमिस्ट्री को पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं और इनकी ये जो दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, जिसमें जर्मनी, कोरिया और अमेरिका से और सऊदी अरब के जो स्कॉलर्स हैं और रिसर्चर्स शिरकत कर रहे हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे ख्याल आया कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कराई जाए और पाकिस्तान में खास तौर पे केमिस्ट्री के लिए जो है वो क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, पाकिस्तान में केमिकल इंडस्ट्री एक उभरती हुई इंडस्ट्री है, चाहे वो फूड का शोबा हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र का शोबा हो या पेट्रोलियम का शोबा हो, ये तमाम ऐसे शोबे हैं जिनकी बुनियाद जो है वो केमिस्ट्री की तालीम पर है। और अगर हम अच्छे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स पैदा करेंगे, केमिस्ट्री के मैदान में हम रिसर्च करेंगे, तो इन तमाम शोबों में बहुत तरक्की होगी और पाकिस्तान सनती तौर पर तरक्की करेगा। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ने बहुत थोड़े अरसे में अपने लिए तालीम के मैदान में एक मुकाम पैदा किया है और ऐसी बैन अक्वामी कॉन्फ्रेंसेस करवा कर न सिर्फ वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ़ायदा दे रहे हैं, बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दो रोज़ा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है केमिस्ट्री के बारे में, उसका मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंट्रैक्शन कराई जाए, रिसर्चर्स की इंट्रैक्शन कराई जाए। हमारे साथ वाइस चांसलर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि इसका क्या मकसद था। असल में ये हमारी रिसर्च का जो एंड रिज़ल्ट है, जो ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं, वो उसकी तरफ जाते हुए हम रिसर्च के बाद अब हम एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं LGU को। और उसमें यह होता है कि जो